हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है अपने चैनल में। आज देखिए, गुलदाउदी या सेवंती फ्लावर कितना खूबसूरत खिला है एकदम बंचेस में। और ना इतना 7 इंच का पॉट है और वो पूरा ना चारों तरफ से वो कितना फैलाव होके बंचेस में खिला है, वही वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है और ऑरेंज कलर का है। और कुछ में अभी ना कलियाँ खिलना बाकी है और ये ऑरेंज कलर का भी ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसको एक ही पार्ट में लगाओगे तो इतना फैलाव नहीं होता। मैं कई पार्ट में और 2-3 पली बैग में, ग्रो बैग में लगाई हूँ। एक कार्नर में रख दी हूँ जहाँ फुल फुल सनलाइट आता है, तो इसमें कीड़ा अटैक भी नहीं होता है। होता है थोड़ा बहुत, तभी ना इनमें कुछ खाद मत डालिए। और DAP अगर डालेंगे तो इसका ग्रोथ बढ़ेगा और फ्लावरिंग नहीं होगा। इनको एनर्जी चाहिए रहता है, इसीलिए इनको ना लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, जैसे बनाना पील्स और वेजिटेबल या ऑरेंज पील्स का जो भी बनाते हैं आप, उसको डाल सकते हैं। और काले कलर का माहू लगता है तो इसमें ना फंगीसाइड छिड़काव कर दीजिए या नीम ऑयल को, तो और अच्छे से पानी में धो दीजिए तो निकल जाते हैं। और नीचे में जितना सूखे पत्ती है ना, उनको हटा दीजिएगा। ये देखिए, ये सबको हटा दीजिए तो उनको धूप भी मिले और हवा भी मिल जाए। तो ऐसे काम करिएगा। और ऊपर से नीचे से ना पानी डालिएगा। ऊपर से डालेंगे तो फ्लावर ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट पहुंच जाए। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैं पहले जून से ना इसको पिंचिंग करते करते गई तो इतना घना हुआ है। और पहले वो जून में मदर प्लांट को ही हटा के न्यू प्लांट लगाई हूँ, तो देखिए बढ़िया ही फ्लावरिंग होता है। येलो कलर का था ना, छोटा सा पॉट में भी ना कितना बढ़िया गुच्छा में फ्लावरिंग हुआ है। ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।